नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने संस्कृत के विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को जाना था, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी एवं हिंदी के विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने विषय की। तो दोस्तों, सबसे पहले विद्वान है वॉर्ड्सवर्थ। वे लिखते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन टेन क्वालिटी, जिसका हिंदी अनुवाद है कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज स्वाभाविक प्रवाह है जो शांति के क्षणों में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, अतः इसको इस तरह से समझिए कि कविता वह है जो मनुष्य के शांत हो जाने पर, उसके मन के शांत हो जाने पर, जो उसके मन में जो भावनाएं उठती है, जो प्रबल अनुभूतियां उठती है, उसी को जब वह व्यक्त करता है तो उसे ही कविता कहा जाता है। दूसरे विद्वान है शेली। वे कहते हैं कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, अर्थात विषादमय क्षणों की अभिव्यक्ति ही कविता है। मतलब यह है कि सच्ची और वास्तविक कविता वही है जो हमारे दुख भरे भावों को भी बयां कर सकती है, उसको व्यक्त कर सकती है। तीसरे विद्वान है मैथ्यू आर्नल्ड। वे कहते हैं कि पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात काव्य जीवन की आलोचना है। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव सुख दुख आते हैं, उन सब के बारे में बताना ही कविता है। चौथे विद्वान है कॉलरिज। वे लिखते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान ही कविता है। पांचवे विद्वान है हडसन। वे लिखते हैं पोएट्री इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड फीलिंग, अर्थात कविता जीवन की व्याख्या है जो कल्पना और भावना द्वारा निर्मित होती है। मतलब है कि कविता में किसी के जीवन की कल्पना और भावना की अभिव्यक्ति की जाती है। अंग्रेजी के विद्वानों के बाद अब बात करते हैं हिंदी के प्रमुख विद्वानों की। तो हिंदी के पहले विद्वान है केशवदास। दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध अलंकारवादी कवि है। ये कहते हैं कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, अर्थात बिना अलंकार के कविता अच्छी नहीं लगती है, या बिना अलंकार के अच्छी कविता की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। दूसरे विद्वान है चिंतामणि। वे लिखते हैं कि सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कहत विबुध सब कोई, अर्थात जो शब्द और अर्थ गुण और अलंकार से युक्त हो तथा दोष से मुक्त हो, उसे ही काव्य कहा जाता है। तीसरे विद्वान है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वे लिखते हैं कि यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी कि यदि कविता में कोई विशेषता नहीं है, शब्दों या अर्थों का चमत्कार नहीं है, और यदि उससे पाठक को खुशी का अनुभव नहीं होता है, तो वह कविता नहीं है। चौथे विद्वान है प्रेमचंद। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी मैथ्यू आर्नल्ड की बातों को ही दोहराते हैं और कहते हैं कि कविता जीवन की आलोचना है। पांचवे विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।
हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते आई है उसे ही कविता कहते हैं। मतलब यह है कि व्यक्ति की मुक्ति तभी संभव है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब हृदय मुक्ति की अनुभूति करता है तो उस स्थिति को रस दशा कहते हैं, और हृदय को मुक्ति देने के लिए, आनंद देने के लिए मनुष्य शब्द और अर्थ से जो वाक्य बनाता है वही कविता है। दोस्तों, इस प्रकार से जब हम इन सभी काव्य लक्षणों को देखते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जहां संस्कृत में काव्य का अर्थ साहित्य की सभी विधाओं से था, अब हिंदी और अंग्रेजी में वह कविता के अर्थ तक सीमित रह गया है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के विद्वानों पर आनंदवर्धन के सिद्धांतों का भी व्यापक प्रभाव है। तभी तो अब कविता शब्दों, अर्थों और अलंकार से आगे निकलकर उक्ति की विचित्रता तक पहुंच गई है। फिर भी आज भी बहुत से विद्वान पंडित राज जगन्नाथ तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही काव्य लक्षण को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर शीघ्र मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।